वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस टाइप का, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे हो सकता है, हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी कर्व है, मतलब कर्व के लिए सबसे पहले हमारे पास थी लाइन, ठीक है। लाइन में क्या था, एक्स और वाई की पावर दोनों की वन होगी, और साथ में एक्स इंटू वाई कभी भी नहीं होगा, एक्स इंटू वाई कभी भी नहीं मिलेगा यहाँ पर लाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड सर्कल था, ठीक है। सर्कल की जो इक्वेशन होती है किसके बराबर होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद थर्ड, थर्ड था एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन किस तरीके से थे हमारे पास, कि एक्स स्क्वेयर नीचे ए स्क्वेयर भी हो सकता है, यहाँ पर बी स्क्वेयर भी हो सकता है, प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, और ए हमेशा बड़ा होता है बी से। यहाँ पर दो केस थे, ये तो पहला केस है, ठीक है। इसके बाद कर्व में हमारे पास हो सकता है पैराबोला टाइप का हो, ठीक है। पैराबोला जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन, मतलब खास बात क्या है, सर्कल में एक्स और वाई की दोनों की पावर दो होगी, एलिप्स में भी सेम बात है, पैराबोला में अपोजिट है, एक की पावर एक होगी एक की पावर दो होगी, इस टाइप का भी एलिप्स पैराबोला होता है, जैसे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए वाई। जरूरी नहीं है कि एक्स की ही पावर कम मिलेगी, ये बातें हम सीख चुके हैं इस तरीके से। कभी हो सकता है हाइपरबोला की भी बात आ जाए, बस हाइपरबोला में कुछ नहीं करना, एलिप्स है जो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन होगा बीच में, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अब हो सकता है इस कर्व का ना पता चले हमें, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे ये, वैसे ये किसकी इक्वेशन है, अब ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे पैराबोला की खास बात होती है क्या, कि जो स्क्वेयर वाली टर्म है वो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसी तरीके से है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि गिवन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, कह दें, एक बात है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई। और ये किस टाइप, कौन सी कर्व है, ये है पैराबोला, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक वेरिएबल की पावर एक है, एक की दो है, इस तरीके से, एक्स और वाई की बात करेंगे बार बार, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए ग्राफ कहा था हमने, किस तरीके का बनता है इसका ग्राफ, सबसे पहले जिसकी पावर हो, जिसकी पावर कम हो उसकी तरफ मुंह खुलेगा, जैसे वाई की तरफ मुंह खुलेगा वो होगा प्लस होगा या फिर माइनस, ये माइनस साइन, जो साइन होता है प्लस हो या फिर माइनस, ये डिसाइड करेगा किसकी तरफ मुंह खुलेगा। पहली बात, वाई की पावर कम है तो वाई की तरफ मुंह खुलेगा, माइनस साइन की वजह से नीचे मुंह खुलेगा, इस तरीके से का मतलब है इसका, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये फंक्शन गिवन है गिवन, मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, लेकिन ये बात पहुंच चुकी है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, या फिर कहें कि हमें एक्स इज इक्वल टू एक्स निकालना हो तो स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वाई, इस तरीके से हुई बात, मतलब एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्यों, जो ये फंक्शन सेलेक्ट होंगे ये पॉइंट बताएंगे हमें, जो गिवन पॉइंट होंगे ये बताएंगे, क्यों, क्योंकि अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें सबसे पहले एरिया अंडर ए कर्व की बात करेंगे बार बार, ठीक है। जब एक कर्व गिवन हो, एक कर्व में पॉइंट हमेशा गिवन होंगे, या फिर कोई कंडीशन गिवन हो सकती है, कहने का मतलब इससे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के पॉइंट है, तो ये यही हमें फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये फंक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। और लेकिन ये कोई पैराबोला नहीं है अब, ठीक है, इस तरीके से। अब वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर है, अब किस तरीके से ग्राफ होगा, सबसे पहले पॉइंट कहा था हमने, पॉइंट पुट करके देखेंगे, ठीक है। पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू थ्री, इस तरीके से बस पुट करके देखेंगे। पॉइंट की दो बातें होंगी, पॉइंट गिवन होंगे जब एक करो, साथ में ये पॉइंट ही लिमिट होती है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल में भी कौन से, डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी हमें लिमिट चाहिए, और जो पॉइंट गिवन होंगे यही लिमिट बनेगी, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में से था कि एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू फोर, इस टाइप से कर्व तो कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने इस टाइप की कर्व थी, वो हो सकता है ये कर्व यहाँ तक हो, पॉसिबल है, ये जरूरी नहीं है कि ये टू से फोर तक ही यहीं पर ख़त्म हो जाए, ये चलती रहेगी, ये कर्व किसी भी टाइप की, इस टाइप की हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस ये लिमिट डिसाइड करेगी कि कहाँ से कहाँ एरिया में निकालना है, ठीक है।
अब यहाँ पर जीरो से थ्री एरिया निकालना है, पॉइंट पुट करके देखेंगे गिवन इक्वेशन में, तो वाई किसके बराबर होगा, जब जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा, सीधी सी बात है। और एक बार वाई की जगह अब एक्स की जगह थ्री पुट करें तो वाई आएगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, इस तरीके से माइनस नाइन। हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन से मतलब है, मतलब वाई जीरो का मतलब यहाँ पर जीरो के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, यहाँ पर है माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस वाई एक्सिस की बात होगी, मतलब वाई नेगेटिव है, वाई एक्सिस की बात नहीं होगी यहाँ पर, वाई नेगेटिव है एक्सिस की, तो एक्स की ही बात होगी क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए फिर से वही 5 पॉइंट, पहला पॉइंट था कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ किस टाइप का होगा, यहाँ पर पॉइंट कहाँ से कहाँ है, जीरो से थ्री, ये पॉइंट डिसाइड करेंगे कहाँ से एरिया निकालना हमें, ठीक है। तो जीरो तो यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पर, इस तरीके से कैपिटल एक्स लिखें या फिर स्मॉल एक्स, एक ही बात है, ठीक है। और जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से इंटरवल मान लें, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से हो, किसी भी टाइप के इंटरवल मान सकते हैं हम, जरूरी नहीं है यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। हाँ मैक्सिमम इंटीजर ही मानते हैं हम, ठीक है, इंटीजर इस तरीके से, इंटीजर मानने या फिर कोई रियल नंबर मानने, जैसे यहाँ पर 0.1, इस तरीके से एक ही बात रहेगी, ये पहले हम बातें सीख चुके हैं, ठीक है। अब इस टाइप की कर्व है, वाई है माइनस एक्स के, लेकिन वाई जीरो से चलेगी और माइनस नाइन तक पहुँचना हमें, ठीक है, मतलब नीचे आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड रीजन होगा वो नीचे होगा और जीरो से चलेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जीरो से चलेगी कोई भी करो, ये नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर एक से अलग है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कोई भी करो हमें नहीं पता कहाँ तक जानी है, ठीक है, हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट तक चाहिए, ये करो यहाँ तक चाहिए बस, हमें नहीं पता ये आगे किस टाइप की है, हमें तो ये एरिया निकालने से मतलब है, इस तरीके से, ठीक है, ये एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होता है, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होगा, अब फंक्शन कौन सा यूज है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो सीधी सी बात है वाई इंटू डी एक्स लिखें या फिर हम एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और लिमिट, लिमिट जो पॉइंट गिवन हो, कौन से पॉइंट गिवन है, जीरो से थ्री के बीच में, ठीक है, जीरो से थ्री, इस तरीके से, ठीक है। अब साथ में, अब सीधी सी बात है, ये है एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया ये है, ठीक है। पहला पॉइंट का आता मे का ग्राफ, दूसरा पॉइंट का हमने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो से थ्री के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। इस बात का जो सेकंड पॉइंट था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस बात का ये मतलब था कि जो दो पॉइंट गिवन हो, जब एक कर्व है तो सीधी सी बात है दो पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, दो पॉइंट गिवन है और लाइन के लिए भी हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिएंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट गिवन हो, इस बात का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर पहले से ही गिवन है, तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक नया पॉइंट चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, मतलब एक सी नया पॉइंट है, ठीक है, वो इस केस में चाहिए या फिर नहीं, और ये जो सी पॉइंट है नया कब चाहिएगा हमें, जब एक पॉइंट नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो या फिर अपोजिट बात, इस तरीके से, ठीक है। इस बात का ये मतलब है कि पॉइंट से मतलब नहीं रहेगा, हमें एरिया से मतलब रहेगा कि कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, मतलब एक पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस हो या फिर दूसरा हो अबव एक्स एक्सिस, जैसे ये कर्व हो सकती है एग्जाम्पल के लिए इस टाइप की हो, पॉसिबल है, ठीक है, तो हमें बाई चांस इसका और एरिया निकालना हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, हमें यहाँ पर ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो जीरो से थ्री, अब सीधी सी बात है एरिया अब बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एरिया क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, और हमने कहा था जब भी वर्ड बिलो आ जाए, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस आ जाए या फिर बिलो वाई एक्सिस आ जाए, तो सीधी सी बात है माइनस का साइन आएगा, इस तरीके से, ठीक है, माइनस का साइन क्यों आए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस, तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन जीरो से थ्री, और एफ एक्स, एफ एक्स है किसके बराबर है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है जैसे आपसे, और एफ एक्स बराबर हुआ माइनस एक्स स्क्वेयर के, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना, पावर में एक जोड़ दो और नीचे टोटल पावर जोड़ने के बाद, और जीरो से थ्री इसकी लिमिट, अब लिमिट भी पुट कर देंगे तो किसके बराबर आएगा एरिया, एक बार अपर लिमिट एक्स की जगह थ्री पुट करना है,
फंक्शन मैक्स कहीं पर भी हो उसकी जगह अपर लिमिट पुट करनी है। तो 3 का क्यूब 27 डिवाइड में 3 माइनस का साइन फॉर्मूले की वजह से एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 क्यूब 0 का क्यूब डिवाइड बाई इस तरीके 0 बना, तो किसके बराबर आया आंसर? 9 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, 9 स्क्वेयर यूनिट। और हमने कहा था एरिया या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव, हमें बात पॉजिटिव की करनी है। ठीक है, हमें बात पॉजिटिव की करनी है। अब 9 स्क्वेयर यूनिट आया मतलब है प्लस, सही बात है। ठीक है, अगर ये माइनस साइन ना होता तो आंसर कितना होता? आंसर बस माइनस माइनस 9 आ जाता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक माइनस देनी पड़ेगी। ये फॉर्मूले में भी आया था माइनस का साइन, इस तरीके से यहाँ पर माइनस का साइन हम क्यों लिखते हैं बार बार, जब ये बिलो वर्ड आ जाए तो, इस तरीके से। ठीक है, कंडीशन किसी भी तरीके की हो सकती है, बस यही पॉइंट बार बार रिपीट होंगे, बस ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए हमें। ठीक है, एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है, ग्राफ पॉइंट के लिए क्या क्या बातें, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा मैक्सिमम केस में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।